अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं तो यहाँ के क्या करेंगे वो, आते हैं खाली हाथ और यहाँ के लोगों को ठग करके बोली लगा करके चले जाते हैं, बिहार की बोली लगाते हैं आकर के। जब आते हैं तो कहते हैं 1.25 लाख करोड़ दूँ, 50,000 करोड़ दूँ कि 1.5 लाख करोड़ दूँ। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन है, अमित शाह का दौरा होने वाला है और लगातार बिजली को लेकर जिस प्रकार से कहा जा रहा है, तो बात करते हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज कहा कि वन नेशन वन टैरिफ, क्या ऐसा कुछ सुनने बिल्कुल होना चाहिए। जब आप बात करते हैं कि एक देश में एक तरह की व्यवस्था हो तो वन नेशन वन टैरिफ जरूर होना चाहिए। आखिर गुजरात में 3.40 रुपया मिल रहा है बिजली पर यूनिट और बिहार में वही बिजली 5.82 रुपया, आखिर किस तरह का देश चला रहे हैं भाई आप? अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं तो यहाँ के क्या करेंगे वो, आते हैं खाली हाथ और यहाँ के लोगों को ठग करके बोली लगा करके चले जाते हैं, बिहार की बोली लगाते हैं आकर के। जब आते हैं तो कहते हैं 1.25 लाख करोड़ दूँ, 50,000 करोड़ दूँ कि 1.5 लाख करोड़ दूँ। इन लोगों को तो और कोई काम है नहीं, बस बिहार की बोली लगा करके और चले जाते हैं, बिहार के लोगों को ठगते हैं। तो महागठबंधन का बढ़ रही है ना, लगातार दौरा हो रहा है, कोई चुनौती नहीं है। 2014 से 2023 अभी चल रहा है, कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी आए, माननीय गृह मंत्री जी आए, लेकिन बिहार को दिए क्या? आखिर बिहार के लिए ना तो विशेष राज्य का दर्जा घोषणा हुआ और न ही विशेष पैकेज दिया गया। बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, 40 में से 39 सांसद हैं एनडीए के, उसके बावजूद आप देख लीजिए कि बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नवादा और सासाराम में उनका दौरा है और वहाँ पर जो है काफ़ी घटना घट गई है, अभी भी वहाँ पर इसकी जांच कराई जाएगी। ये लोग तो जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ अफवाह पार्टी के लोग हैं, ये लोग का काम जो है वो सब लोग जानते हैं कि क्या करते हैं लोग। ये लोग बस जा करके और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। कोई उम्मीद है अमित शाह से? कोई उम्मीद नहीं है, बिहार के लोग देख चुके हैं पिछले 2014 से आज तक दिए क्या बिहार को, ये लोग बिहार के आकर के बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। चुनौती तो दे रहे हैं आप लोग को, 24 का है, लगातार दौरा हो रहा है, आप लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ओबीसी भी आए थे। कोई चुनौती नहीं है, आने वाला चुनाव में बिहार का लोग देश को एक नया दिशा देने का काम करेगा। चलिए, तो आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन थे। बता दें आपको कि अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा बिहार में फिर से होने जा रहा है, सासाराम और कहा जाए कि जो नवादा है उस क्षेत्र में जो है जनसभा का आयोजन किया गया है। अमित शाह लोगों को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ सम्राट अशोक की जयंती जो है वो मनाएंगे। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। लगातार जो नेता है भाजपा के वो दोनों जगह पे कैंप कर रहे हैं, हालांकि सासाराम में भी स्थिति बिगड़ गई है, लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि दौरा होना है तो दौरे का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। वनिश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।